हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूलों में जो है 2 साल के बाद जो है इस सत्र में यहाँ पर होंगी मासिक परीक्षाएं। तो कोविड की वजह से यहाँ पर जो है पिछले 2 साल से यहाँ पर परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो अब यहाँ पर इस साल जो है यहाँ पर जो मासिक परीक्षा होंगी विद्यालय में उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और प्रदेश में जो है 17,000 से अधिक जो स्कूल हैं उसमें जो है 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षा होंगी उसमें करीबन 10 लाख विद्यार्थियों को जो है इस सत्र यानी कि लगभग जो है आपके 2022-23 से यहाँ पर हर महीने परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। इसके लिए यहाँ पर जो है कोविड-19 की वजह से 2 साल से ये परीक्षा यहाँ पर नहीं हो पाए थे। इसको लेकर जो है शिक्षा महानिदेशक के द्वारा वंशिका तिवारी ने इस संबंध में सभी जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है उसको आदेश जारी कर दिए गए हैं और मासिक परीक्षाएँ जो है यहाँ पर उन सभी के लिए जो है स्कूलों में लागू होंगी। साथ ही यहाँ पर निर्देश के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ पर बर्बाद हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है। और इसके लिए यहाँ पर जो शैक्षिक सत्र 2022-23 इसके लिए यहाँ पर मासिक परीक्षाएँ शुरू कर दी जाएंगी। बात करें वहीं यहाँ पर उत्तराखंड के हर छात्र को यहाँ पर जो है मुहैया कराएं प्रत्येक विषय की किताबें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है किताबों की किल्लत पर जो है यहाँ पर हिंदुस्तान की मुहिम से शिक्षा विभाग में हरकत में आया और सभी जिलों के जो है यहाँ पर CEO को प्रत्येक छात्र को जो है उसके प्रत्येक विषय की जो है बुकें मुहैया कराने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और दूर में भी यहाँ पर जो है आधी किताबें मिली, तो यहाँ पर अलवड़ा में भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है उत्तराखंड के विद्यालयों में 9 से लेकर 12 तक निःशुल्क जो किताब वितरण हो रहा है वो कई स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर अब सभी स्कूलों में जो है मिलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय को जो है गौशाला स्कूल में जो है शिफ्ट करने का विरोध, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्लिकताल स्थित जो आर्य समाज राजकीय प्राथमिक विद्यालय को जो है अन्यत्र गौशाला में जो है यहाँ पर शिफ्ट करने के फैसले के लेकर यहाँ पर विरोध, मंगलवार को यहाँ पर जो है युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। वहीं यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज में जो है शिक्षकों के जो यहाँ पर कर्मचारी उनकी कमी है, तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यालय के जो है BD पंत स्कूल ऑफ नर्सिंग स्थित जो यहाँ पर बदल बनी हुई है और यहाँ पर जो है शिक्षकों समेत जो है कई पद रिक्त हैं, तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों के काफ़ी पद यहाँ पर रिक्त हो रखे हैं। वहीं बात करें परीक्षा देनी है तो 2 माह की जो है अतिरिक्त फीस भरो, तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा देनी है तो 2 माह का जो है अतिरिक्त फीस भरना पड़ेगा। और इसको लेकर जो है इस बार जो है निजी स्कूलों के जो है 10वीं और 12वीं के जो है बच्चों को जो है 2 माह की जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। और यहाँ कहा गया कि परीक्षा में तभी बैठ पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जो है परीक्षा में बैठने नहीं जाएगा। और वहीं यहाँ पर शहर की ज़्यादातर जो बड़े स्कूल हैं उनका यहाँ पर फरमान जारी कर दिया गया है, और दूसरी ओर जो है निजी स्कूलों के इस फरमान से जो अभिभावक जो है खास यहाँ पर नाराज़ हो रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 2 सालों जो है बैठना लिखना भी यहाँ पर भूले बच्चे, तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो है वह छोटे कक्षाओं में जो है दिक्कत, पढ़ाई के दौरान यहाँ पर जो है व्यवहार परिवर्तन के मामले बड़े हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने की वजह से इनकी लिखाई बड़ी चौपट हो चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूल की जगह पर जो है दुकानें बनाने के खिलाफ जो है उतरे अभिभावक, तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी स्कूल में जो है अब दुकान बनाने की बात चल रही है और यहाँ पर जो है इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दून में जो है यहाँ पर पेनाल्टी वसूले जाने पर जो है भड़के स्कूल वैन संचालक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परमिट रिव्यू कराने पर जो है पेनल्टी लगाए जाने से यहाँ पर जो स्कूल जो वैन संरक्षक हैं वो भड़क गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर बाल पाठक प्रोत्साहन योजना के लिए यहाँ पर जो है 5 जो बच्चे हैं उनका जो है चयन कर दिया गया है। और बाल पाठक जो यहाँ पर प्रोत्साहन योजना है इसके लेकर हल्द्वानी में यहाँ पर जो है 5 छात्रों का जो है चयन किया गया है। और वहीं बात करें बिना मान्यता प्राप्त जो यहाँ पर स्कूल होंगे उनका संचालन पर जो है 1 लाख रुपए का जो जुर्माना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंट थॉमसन स्कूल में जो है चल रही है 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं, और यहाँ पर सेंट थॉम्स स्कूल में जो है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो है कक्षाओं का संचालन बिना मान्यता के यहाँ पर पाया गया है। और इसको लेकर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है बिना मान्यता विद्यालय में जो है कक्षाओं के संचालन पर जो है प्रबंधक प्राचार्य को जो है नोटिस जारी करते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का जो है आदेश वो जारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें 24 विद्यालयों में यहाँ पर जो है नहीं है शौचालय और पानी की व्यवस्था है, तो यहाँ पर देख सकते सरकारी स्कूलों में 24 विद्यालय हैं जो कि हल्द्वानी विकासखंड के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से यहाँ पर जो है 638 जो बच्चे हैं वो लंबे समय से अब जो पानी और शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर बिना अवकाश लिए मुख्यालय छोड़ने पर जो है 2 EO को जो यहाँ पर वेतन रोका, तो यहाँ पर देखते लापरवाह अफसरों के विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो शहरी विकास विभाग को जो है लिखा पत्र है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेडी गढ़वाल की द्वारा यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर जो है अपलोड कर देगी इनकी लिस्ट, जिसमें आपके BEd अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर रखी है। इसमें यहाँ पर जो केस था आपका नीटू पाठक को लेकर 50% से कम अभ्यर्थियों को जो है चयन कर दिया है। और इसमें नियुक्ति आदेश संख्या जो कि आप लोग देख सकते हैं एक तो बैकलॉग की है और एक सीधी भर्ती के तहत 2 भर्तियों का जो है लिस्ट निकाल रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वेबसाइट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आयुर्वेदिक
विश्वविद्यालय में यहाँ पर हुए भ्रष्टाचार और यहाँ पर गड़बड़ी की होगी जांच। तो यहाँ पर देखते हैं शासन ने जो है बनाई अपर सचिव की अध्यक्षता में जो है 4 सदस्यीय जांच, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की जो है गड़बड़ियाँ मिल रही हुई हैं विभागों में। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश के स्कूलों में जो है 2 साल के बाद जो है इस सत्र होंगी मासिक परीक्षाएँ, और बिना मान्यता प्राप्त के संचालक को 1 लाख रुपये जुर्माना। और वहीं बात करें उत्तराखंड के भर्तियों को लेकर, तो बेरोजगारियों को यहाँ पर नई भर्ती के लिए यहाँ पर अभी करना होगा इंतजार। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लगभग जो है 5,300 पदों का जो है बैकलॉग। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकलॉग, और इसमें जो है समूह स्तर पर जो है नई भर्तियाँ जो है शुरू होनी है, और इसको लेकर जो है इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लगभग जो है पहले ही विभाग के पास 5,300 पदों का बैकलॉग है, और आयोग जो है अगले साल मार्च तक जो है इनकी परीक्षाएं कराने को लेकर यहाँ पर प्राथमिकता दे रहा है। और ऐसे में नई भर्तियाँ में जो है कुछ माह तक विराम लगना तय है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के यहाँ पर कहा है कि सरकारी नौकरी देने वाली जो एजेंसी है, और ऐसे में यहाँ पर जो 5 साल में जो है प्रतिवर्ष औसत जो है 2,000 पदों पर जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की है। और लेकिन यहाँ पर जो है इसे यहाँ पर मोर्चे पर जो है अब आयोग को यहाँ पर बैकलॉग का जो है सामना करना पड़ रहा है ऐसा बताया गया है। और यूँ बड़ा बैकलॉग, तो यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव के दबाव में जो है सरकार ने गत वर्ष दो यहाँ पर विभाग को जो है खाली पद भरने के निर्देश दिए थे, और ऐसे में 2021 में आयोग के पास बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है प्रस्ताव पहुँचे हैं। और साथ ही आयोग के पास यहाँ पर लगभग जो है 2021 में करीबन 4 माह में जो है भर्ती परीक्षा नहीं हो पाएगी ऐसा में बताया गया है। और इस साल जो है यहाँ पर जनवरी से लेकर मार्च तक जो है यहाँ पर चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया में बाधित रही है। ऐसे में जो है आयोग के पास जो है इस वक्त यहाँ पर जो है कई विभागों में जो है यहाँ पर लगभग 1,553 जो है यहाँ पर पद पर बैकलॉग हो गया है। और वहीं बात करें बिना अवकाश के लिए यहाँ मुख्यालय छोड़ने वाले को इनको यहाँ पर वेतन रोक दिया गया है, और बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है नया जो कि आपके यहाँ पर महाविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली है, इसमें यहाँ पर रसायन विज्ञान है और भूगोल है और गृह विज्ञान है, इसके लिए आप यहाँ पर इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 35,000 से भी सैलरी मिलेगा। इसकी जो साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो वही बात करें उत्तराखंड की साइकिल खगार में परीक्षा यहाँ पर जो है रद्द की जाने की तैयारी यहाँ पर चल रखी है, और यहाँ पर साथ ही यहाँ बताया गया है कि उत्तराखंड में जो बंद रोग है उसकी परीक्षा रद्द होने की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपके साइकिल खगार है इसकी परीक्षा रद्द हो सकती है। इसका जो यहाँ पर अध्यक्ष है यूके त्रिपाठी का, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ साइकिल खगार में यहाँ पर जो है गड़बड़ी मानी जा रखी है, ऐसे में जो है परीक्षा जो है रद्द हो सकती है। तो वही बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संवाद 210 के द्वारा यहाँ पर विभिन्न पद कोटों की जो है औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यहाँ पर जारी किए जाने के वो अभिलेख स्थापन को लेकर संबंध में बताया गया है। इसमें यहाँ पर 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक तो पहला है सहायक खाद्यान्न प्रसंस्करण जो कि इसके निरीक्षक की पोस्ट है, इसमें आपकी 22 तारीख को बुलाया गया है। साथ में यहाँ पर सहायक प्रशिक्षण जो कि आपका हॉकी है और हेडबॉल है, इसके लिए यहाँ पर जो है 27 तारीख को अभिलेख स्थापन के लिए बुलाया गया है। इसकी 4th वेटिंग लिस्ट है, इसकी 5th लिस्ट है, और जेई की जो है आपकी 4th लिस्ट है, इसकी 27 को अभिलेख स्थापन होना है। और लेखा लिपिक का इसका जहाँ पर द्वितीय चरण की अभिलेख स्थापन 27 को ही होना है। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने जो प्रमाण पत्र है और 6 पासपोर्ट साइज फोटो और दो दो आपके अलग अलग कॉपी लेके आनी है 9:30 बजे जो आपको कार्यालय पर ऑफिस देना है, और इसके लिए यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर नई विज्ञापन निकाला गया है, इसमें वैज्ञानिक अधिकारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें उत्तराखंड के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत जो है वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर जो है रिक्त पदों की वैकेंसी आई है, इसके लिए UKPSC की ऑफिशियल साइट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर 16 तारीख जो है इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। और वहीं यहाँ पर अग्निशमन अधिकारी के लिए यहाँ पर जो है परीक्षा 13 अप्रैल यानी कि यहाँ पर जो है आज होनी है, इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।